यस, वी विल डू सम क्वेश्चन रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन. सपोज दैट क्वेश्चन इज 21 मल्टीप्लाइड बाई 9 एंड यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट द टेबल ऑफ 9. ठीक है, आपको 9 का टेबल नहीं आता है, आपके पास इसका ज्ञान नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे 21 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर 9 को आप ऐसे लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3. ठीक, तो अब हम पहले इसको करते हैं. ठीक है, क्योंकि ऐसे तो आपका हो जाएगा आराम के साथ. तो अब क्या करेंगे, 3 का टेबल पहले हम, ये आपको कलर चेंज करके बताता हूँ. यस, पहले 3 का टेबल आप इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, 3 का टेबल आप इसमें पढ़ेंगे, आपका हो जाएगा. फर्स्ट यू विल रीड द टेबल इन 21. ओके, यस. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. ओके, कंप्लीटेड. नाउ वी विल डू 63 मल्टीप्लाइड बाई 3. मीन्स अब हमारा ये वाला है इसका, ठीक है, ये वाला है. अब हमारा इसका काम नहीं, क्योंकि ये हमने यहाँ कर दिया, यही तो ये है. ठीक, यस, आंसर हो जाएगा 3 3 जै 9, 3 3 जै 9, 3 6 जै 18, आंसर इज 189. ओके, 3 3 जै 9, 3 6 जै 18, दिस इज योर आंसर. ओके, यस. नाउ वी विल डू सम मोर क्वेश्चन. यस, सपोज दैट, यस, 56 मल्टीप्लाई विथ, 56 मल्टीप्लाइड विथ 8. ओके, मल्टीप्लाइड विथ 8. ठीक है, 56 जो है 8 के साथ इसका गुणा हुआ है. अब आपको 8 का टेबल नहीं आता, ठीक है, यू हैव नो नॉलेज अबाउट द टेबल 8. ठीक है, आपके पास 8 का ज्ञान नहीं है टेबल में. यस, दिस इज क्वेश्चन फॉर स्पेशली क्लास 2 एंड 3. ठीक है, ये क्लास 2 एंड 3 के लिए है. अगर मान लीजिए कोई कमज़ोर बच्चा है उसके लिए, वैसे तो सबको आता होगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 56 का अगर आप चाहो तो वहाँ भी कर सकते हो 7 8 जा. ठीक है, लेकिन 7 8 जा करेंगे फिर से वही कठिन टेबल हो गया. तो आप क्या करेंगे, 56 लिखेंगे ऐसे, 56 को ऐसे ही रहने दो. हम क्या करेंगे, इस 8 की जगह हम लिख देंगे 4 2 जा. अब इतना तो टेबल आता ही होगा आपको, 4 2 जा. ठीक, यस. आप पहले हम 50, यस, राइट द टेबल ऑफ 4 इन 56. ठीक, 4 6 जा, 4 6 जा 24, कैरी 2. ओके, 4 6 जा 24, कैरी 2. ओके, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 22 हो गया आपका. यस, 22. ओके, यस. लेकिन अभी तो हमें तो 4 का करना नहीं था, वो था क्या, नहीं था. तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमें इस 2 का बाकी है, ये 2. ठीक, इसको हम किसी दूसरे कलर से लेते हैं. यस, अब हम इसका करेंगे. ठीक है, अब इस 2 का, ठीक है, यस, इस 2 की अब कोई दरकार नहीं.
देयर इज नो नीड ऑफ दिस टू, ठीक है, टू फोर जा एट, टू फोर जा एट, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, योर आंसर इज 448, ओके, आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, 448, कैसे, सब कुछ आप साफ कर देंगे, ठीक है, सब कुछ आप मिटा देंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे आंसर 56 मल्टीप्लाइड बाई 8, आपका आंसर हो जाएगा 448, दिस इज योर प्रॉपर आंसर, ठीक है, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, तो मुझे लग रहा है आप समझ चुके होंगे, थैंक यू।